साफ साफ लिखा हुआ है पूरी सब्जी आपको मिलेगी 20 रुपए में और ये भाई साहब बेच रहे 30 रुपए का। गाड़ी हमारी 2.5 घंटा लेट हो गई, इसलिए जनरल के सामने आप भीड़ भी देख सकते हैं, बिल्कुल जीरो जैसी हो गई है। और यहाँ का फॉग इतना ज़्यादा है और इसी फॉग की वजह से गाड़ियाँ लेट हो रही हैं। इधर देखिए पूरा प्लेटफॉर्म फॉग से ढका हुआ है। यह प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ का बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। इसमें एक बूढ़ी दादी चढ़ी है जिनका मैंने आपको वीडियो दिखाया, उनका स्लीपर का टिकट है, उनको मैंने अपनी सीट दे दी क्योंकि उनको जाने में प्रॉब्लम हो रही है। प्रयागराज जंक्शन जो है एक कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर डाक जैसी कई अन्य सुविधाएं हैं। तो मेले में घूमने अगर आप आ रहे हैं और आपको रुकने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर आइए ना, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। जब कभी गाड़ी लेट हो जाती है ना तो गाड़ी को बना दिया जाता है बैलगाड़ी। पूरे प्रयागराज में इतना फॉग हुआ है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में ये फॉग इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से गाड़ियाँ 18-18 घंटे लेट चल रही हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रयागराज के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और आज की यात्रा हम करने वाले हैं फिर से एक बार प्रयागराज एक्सप्रेस, जो प्रयागराज से नई दिल्ली की VVIP ट्रेन है। गाड़ी संख्या 12417। यह प्लेटफॉर्म नंबर 5 के बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं, किस कदर यहाँ पर विजिबिलिटी है। और इधर जो LED लगी है जहाँ पर ट्रेन का इंडिकेशन होता है बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। पूरा एरिया यात्रियों का प्रतीक्षालय बना दिया गया है और वहाँ पे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी है। और ये पूरा एक बड़ा सा कैंपस है जहाँ आप ट्रेन का वेट कर सकते हैं। और वहाँ पे देखिए LED भी लगी है जो इंडिकेट करती रहती है गाड़ियों को। और यहाँ पे सीटिंग के लिए बैठने की जगह भी है और कई सारे ऐसे लाइन से वॉशरूम बनाए गए हैं महिला पुरुष और दिव्यांगों के लिए। जैसा कि आपको पता है कि प्रयागराज में इन दिनों कुंभ लगा हुआ है, तो कुंभ के दौरान रेलवे स्टेशनों पर कई सारे यात्री आते हैं और उनकी व्यवस्था के लिए यहाँ पर प्रतीक्षालय बनाए गए हैं सुंदर सुंदर से और साफ सुथरे। कोहरे के कहर से गाड़ी हमारी लेट हो गई है 2.5 घंटे और अभी मैसेज आया है गाड़ी का, ये जाएगी 23:40 पर, जबकि इस गाड़ी का छूटने का समय यहाँ पर 22:10, मतलब रात के 10:10 पर। देखिए उधर बना हुआ है वेटिंग एरिया नंबर 1 और यहाँ पर देखिए बोर्ड लगा हुआ है यात्री आश्रय संख्या 2। और इधर की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है यात्री आश्रय संख्या 3। ऐसे ऐसे करके कई सारे बड़े बड़े कैंपस बनाए गए हैं और अंदर फ्री वॉशरूम वगैरह की सुविधाएं दी गई हैं। प्रयागराज जंक्शन जो है एक कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर डाक जैसी कई अन्य सुविधाएं हैं। अगर आप इस रेलवे स्टेशन का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो पब्लिश है, आप उसको देख सकते हैं। ये देखिए ये है यात्री आश्रय संख्या 4, एक बड़ा सा कैंपस है और यहाँ पर आपके बैठने के लिए, सोने के लिए और फ्रेश वगैरह होने के लिए वॉशरूम जैसी कई सारी सुविधाएं हैं, मोबाइल चार्ज जैसी कई सारी चीज़ें यहां पर दी गई हैं। तो मेले में घूमने अगर आप आ रहे हैं और आपको रुकने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यहां पर आइए ना, यहां पे क्या प्रॉब्लम है, आराम से रुकिए, मस्त रहिए। ये कुंभ नगरी है, यहां पर सबको रुकने और खाने की व्यवस्था माँ गंगा कर देती हैं। यह प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ का बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं, इतना फॉग है कि कुछ दिख नहीं रहा क्लियर। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है। स्टेशन घड़ी में हो गया है 23:11, मतलब रात के 11:11 और अभी गाड़ी जो जा रही है ये है प्रयागराज बीकानेर एक्सप्रेस। ये गाड़ी आज 2 घंटे से ज़्यादा लेट जा रही है और इसी के बाद आएगी हमारी प्रयागराज एक्सप्रेस इसी प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। गाड़ी हमारी 2.5 घंटा लेट हो गई, इसलिए जनरल के सामने आप भीड़ भी देख सकते हैं, बिल्कुल जीरो जैसी हो गई है। और ये सारा जनरल का एरिया है और आज की यात्रा हम करने वाले हैं 2nd AC में। अभी ऊपर LED में गाड़ी का नंबर इंडिकेट कर रहा है और कोच भी शो कर रहे हैं कि कौन से कोच कहाँ लगने हैं, देख रहे हैं S3 S4 ऐसे ऐसे करके सारे कोच को इंडिकेशन किया जा रहा है। और यहाँ का फॉग इतना ज़्यादा है और इसी फॉग की वजह से गाड़ियाँ लेट हो रही हैं। इधर देखिए पूरा प्लेटफॉर्म फॉग से ढका हुआ है। स्टेशन की घड़ी में हो गए हैं 23:25 और गाड़ी हमारी लग रही है प्लेटफॉर्म पर और सारे पब्लिक जनरल की है। मुझे लगा शायद भीड़ नहीं होगी, लेकिन ये ट्रेन ऐसी है कि प्रयागराज एक्सप्रेस में भीड़ ना हो तो फिर क्या ही बात हो। गाड़ी हमारी आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कानपुर के लोको के साथ 37484।
इस गाड़ी में सबसे आगे लगे होते हैं जनरल कोच दो, उसके बाद स्लीपर के कोच, फिर सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, थर्ड एसी और उसके बाद लास्ट में एक दिव्यांग कोच होगा, फिर लगेज वाला कोच। ये जनरल के कोच है, दो कोच जनरल के निकलेंगे आगे, फिर उसके बाद स्लीपर के कोच निकलेंगे। आगे पांच स्लीपर लगेंगे और बाकी स्लीपर लगेंगे पीछे की तरफ। स्टेशन घड़ी में बज रहे 11:30, 23:28। गाड़ी भी हमारी लग रही है प्लेटफॉर्म नंबर एक पर। अभी आप लगा लो कितना लेट चल रही है गाड़ियाँ, और 10-10, 11-11 घंटे डिले से पहुँचा रही है, सिर्फ और सिर्फ फॉग की वजह से। ये सारी पब्लिक इसी ट्रेन के, मुझे लगा शायद गाड़ी लेट हो रही है तो कुछ लोग कैंसिल कर दिए होंगे या तो फिर किसी और गाड़ी से चले गए होंगे, लेकिन इंतज़ार, एक लंबा इंतज़ार किया लोगों ने और अंततः उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाला उनका सारथी आ गया है, और इसी सारथी के सहारे यात्रा करेंगे प्रयागराज से नई दिल्ली तक की। ये अपना कोच आ गया है सामने, चलते अंदर की तरफ। इसका आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ कैसा है। ये वेस्टर्न स्टाइल वाला वॉशरूम, और ये VVIP ट्रेन है, तो इस ट्रेन में आपको वॉशरूम कैसे मिलता है देखिए। ये कुंडी आपने लॉक कर लिया, सिंक एकदम नीट एंड क्लीन। हाँ, यहाँ पर पानी टपक रहा है यार, ये बात तो है। देखो ये VVIP ट्रेन का हाल है, यहाँ पर पानी टपक रहा है, ठीक है। और बाकी सोप रखा हुआ है, हैंड वॉश, ये सारी चीज़ें सब वर्किंग में, गन वगैरह सारी चल रही है। नीचे साफ सफाई है ठीक ठाक, थोड़ा बहुत मेरे जूते से गंदा हो गया लेकिन ठीक है। सीट भी पूरी एकदम नीट एंड क्लीन है, तो इसको पानी अगर लीक नहीं होता तो मैं 10/10 देता, लेकिन अभी 10/8। देखिए इतनी बूढ़ी दादी हैं, चल भी नहीं पा रही। ये 8 सीट और आप उसी अपनी सीट अपर वाली होने वाली है। देख रहे हैं फॉग कैसे गिर रहा है ऊपर से। इसमें एक बूढ़ी दादी चढ़ी है जिनका मैंने आपको वीडियो दिखाया, उनका स्लीपर का टिकट है, उनको मैंने अपनी सीट दे दी क्योंकि उनको जाने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं जाता हूँ उनकी सीट पर, S1 में उनका सीट है स्लीपर का, कोई बात नहीं, कभी कभी मैनेज करना पड़ता है। चलते हैं आगे की तरफ। चलो भाई, ये स्लीपर क्लास और अपनी सीट है 7। दिए गए निर्धारित समय से भी 5 लेट गाड़ी हमारी ट्रेन से डिपार्चर हो रही है। स्टेशन का स्टॉपेज प्रयागराज से छूटने के बाद फतेहपुर, कानपुर, अलीगढ़ और गाजियाबाद से होते हुए लास्ट स्टॉप इसका नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। अब बाहर फॉग इतना है कि मैं आपको बाहर का व्यू नहीं दिखा पाऊंगा, तो मुझे लगता है कि अब सुबह ही मुलाकात हो पाएगी, या फिर कहीं पे हो सकता है कानपुर के आसपास अगर ये गाड़ी मॉर्निंग में पहुंची या फिर कहीं भी विजिबिलिटी हुई तो आपको इसका व्यू ज़रूर दिखाऊंगा मैं। पूरे प्रयागराज में इतना फॉग हुआ है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में ये फॉग इतना ज़्यादा है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ 18-18 घंटे लेट चल रही हैं। कल की जो प्रयागराज गई है वो 10 घंटे से ज़्यादा लेट हुई है। टुंडला जंक्शन खड़ी है गुवाहाटी नई दिल्ली। और गाड़ी हमारी बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, अभी हो रहे हैं 11 और अब गाड़ी हमारी पहुँच रही है टुंडला जंक्शन पर। अंदाजा कि रुकी नहीं हो जाएगी पर रुकी नहीं। साफ साफ लिखा हुआ है पूरी सब्जी आपको मिलेगी 20 में, और ये भाई साहब बेच रहे 30 का।
ये है टुंडला का जंक्शन। जब कभी गाड़ी लेट हो जाती है ना तो गाड़ी को बना दिया जाता है बैलगाड़ी। टुंडला जंक्शन इसका स्टॉप नहीं है, फिर भी ये गाड़ी रुकी थी। देख उतरना यार, लगे ना तुम्हें, तुम लोग तो ऐसा। इस गाड़ी का अगला स्टॉप होगा अलीगढ़ में, और वही स्टॉप होना था, टुंडला का कोई स्टॉप नहीं है। और फॉग की वजह से गाड़ी हमारी बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, 11:07 हो चुके हैं। उम्मीद है कि अगर 2 बजे तक हमारी गाड़ी पहुंचा दे ऑन टाइम ही, मान के चलूँगा मैं अगर दिल्ली पहुंच गए 2 बजे तो। यहाँ पर पटरियों पे कुछ काम चल रहा है। फाइनली आ गया अलीगढ़ जंक्शन 1:30। यहाँ से ट्रेन लोकल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से चढ़ने वाले लोग जो है स्लीपर में और एसी में भी घुस जाते हैं, क्योंकि रेगुलर चलने वाले लोग हैं। अभी हमारी गाड़ी आ गई है अलीगढ़ जंक्शन पर, और आज मैं इस गाड़ी को यहीं पर छोड़ूंगा। जाना था मुझे नई दिल्ली, लेकिन गाड़ी बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। अभी हो गए हैं 1:30 के, और मुझे लगता है कि ये दिल्ली पहुँचाते 2:30-3 बजा देगी, जिस हिसाब से गाड़ी चल रही है। तो मिलते हैं फिर किसी और ट्रेवल जर्नी पर, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, जय हिंद। ये अलीगढ़ का रेलवे स्टेशन, इसका अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर ऑलरेडी पब्लिश है, आप उसको देख सकते हैं।